नमस्कार दोस्तों, आप सभी को नॉलेज E24 में स्वागत है। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसा कि आप लोग अभी थंबनेल पे देख रहे होंगे। जी हाँ दोस्तों, जो भी ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि BPSC TRE 2.0 में अपना DB करवाने के लिए गए हैं या जो DB करवा चुके हैं, उनके आगे का क्या प्रोसेस है, या जिनका BRC मिल चुका है उनको फाइनल ज्वाइनिंग कब तक उससे भी मिलेगा? ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मैं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात करूँ तो आपके स्कूल आवंटन लिस्ट कब तक मिलेंगे। जी हाँ दोस्तों, इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर मैं बात करूँ तो डाइट ट्रेनिंग लिस्ट। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ अमरजीत और आप सभी को अपना यूट्यूब चैनल नॉलेज E24 में स्वागत है। आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारा इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा, और मैं साथ ही बताना चाहूंगा कि बाय सेलेक्टेड टीचर्स, जी हाँ दोस्तों, जो पिछले TRE 1.0 में जो सेलेक्ट हुए हैं उनके द्वारा जो बताया गया, उनके जो भी प्रोसेस थे उनके द्वारा। तो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से सारा स्टेप बाय स्टेप आपको बताता चलूँगा कि आगे आपको कहाँ पे गलती नहीं करना है, और आपको बिल्कुल लास्ट, अभी आप लोग जो भी सोच रहे हैं कि मेरा ज्वाइनिंग हो चुका है, तो अभी दोस्तों आप लोगों को ध्यान रखना है कि अभी आपका ज्वाइनिंग नहीं। जी हाँ दोस्तों, मैं अगर बात करूँ तो सबसे पहले स्टार्टिंग से, तो BPSC TRE 2.0 बहुत सारे कैंडिडेट अभी DB करवा ही रहे हैं, या बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होंगे जो DB करवा लिए होंगे। तो इसके बाद अगर मैं बात करूं तो जैसे ही आप लोगों का अगर अभी DB कंप्लीट हो चुका है, तो कंप्लीट होने के बाद आपको एक रिसिप्ट मिलेगा, उस पर आपको BRC लिखा हुआ रहेगा। तो आपको क्या करना है कि उस BRC में जाके उस कागज़ को जमा करना है। जमा करने के बाद आपको वहां से स्कूल आवंटन मिलेंगे कि किस स्कूल में अभी फ़िलहाल आपको देख रेख के लिए जाने हैं। यहाँ तक हो गई। फिर उस बीच जो भी अच्छे कैंडिडेट होंगे, जिनका भी अच्छा रैंक होगा, तो उनको उससे पहले डाइट पर बुलाया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, मैं बात करूँ डाइट डेट को लेकर, तो आपको 10 जनवरी से सभी बैचेज के अपना अलग अलग जगह पे डाइट के लिए बुलाया जाएगा। और डाइट पे बुलाने के बाद बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होंगे जिनको फाइनल ज्वाइनिंग लेटर भी दिया जाएगा। अब अगर मैं बात करूँ फाइनल ज्वाइनिंग लेटर को लेकर, तो देखिए फाइनल ज्वाइनिंग लेटर जो है आपके बिल्कुल डाइट से जब ट्रेनिंग करके आएंगे, तो आपको खुद DPO के, डिस्ट्रिक्ट प्रोग्रामिंग ऑफिसर के यहाँ आप लोगों को प्रिंसिपल के साथ जाना है, और वहीं पर आपको फाइनल ज्वाइनिंग लेटर मिलेंगे, उसके बाद आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। तो उससे भी पहले अगर मैं बात करूँ तो स्कूल आवंटन लिस्ट को लेकर, जी हाँ दोस्तों, सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो स्कूल आवंटन लिस्ट को लेकर। तो मैं अगर इस वीडियो के माध्यम से स्कूल आवंटन लिस्ट को लेकर मैं बात करूं, तो फिलहाल अगर मैं पिछले बार की बात करूं, तो पिछले बार जो स्कूल आवंटन हुआ था वो देखिए करीबन 30 किलोमीटर से लेकर 40 किलोमीटर के आसपास हुआ था। मैं अगर बात करूँ तो BRC से भी बहुत सारे, मैं बात करूँ तो बहुत सारे ऐसे टीचर हैं जिनका सलेक्शन हुआ है, उनको इस जगह पर दे दिया गया जहाँ पर 5 किलोमीटर तक एक भी घर नहीं मिल रहे। तो कुछ इस प्रकार से स्कूल आवंटन हुआ है, और स्कूल आवंटन लिस्ट जो है वो आपको ऊपर से ही वेबसाइट से ही होके आएंगे, सॉफ्टवेयर के थ्रू यहाँ पे आवंटन होगा। और सबसे जो इम्पोर्टेंट है मैं अगर बात करूँ तो ये ट्रेनिंग को लेकर, तो ट्रेनिंग में आपको हाल फिलहाल में ही बुलाए जाएंगे, जिसमें से 15 दिनों का ट्रेनिंग यहाँ पर होगा, और पर डे आपको 1000 रुपीज़ यहाँ पर मिलेंगे। फिर अगर मैं इसके बाद बात करूं तो इसमें आपको जाने हैं, और जाने के साथ आपको सारा खाना पीना जितना व्यवस्था होता है सारा आपको वहीं पे प्रोवाइड। अगर मैं अब बात करूं BPSC TRE 2.0 डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर, तो जो भी कैंडिडेट अभी तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करवाए हैं, जिनको भी कुछ लग रहा है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, उसके लिए मैंने ऑलरेडी पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। आप लोग नहीं देखे होंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देंगे, वहाँ से आप लोग जाके देख सकते हैं, और बिल्कुल ईजिली आप लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। सबसे मेन मुद्दा आता है कि डॉक्यूमेंट होने के बाद अब आपको आधार कार्ड से आपके फेस चेक किए जाएंगे कि आप वही कैंडिडेट थे या नहीं थे, इसके थ्रू आप लोग चेक किए जाएंगे। और कहीं ना कहीं अब काउंसलिंग को लेकर बहुत ही टाइट व्यवस्थाएं की जा रही है। तो मैं अगर फिलहाल इस वीडियो में उस टॉपिक से बात नहीं करने वाला हूं, इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि जिनका DB हो चुका है, डॉक्यूमेंटेशन हो चुका है, अगर आपको DB में कहीं भी प्रॉब्लम आती है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, मैं हर एक का रिप्लाई करूँगा, और मैं हर एक के लिए हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको DB के बाद BRC, आपको जो भी अलॉट किए जाएंगे, तो BRC अलॉट करने के बाद आपको वहां से करीबन 30 किलोमीटर या किन्हीं किन्हीं को 20 किलोमीटर तक वहां से स्कूल आपको देख रेख के लिए भेजे जाएंगे। फिर लिस्ट वाइज क्या करते हैं, डाइट के लिए यहां पे ट्रेनिंग लिस्ट जारी करते हैं, हर एक अपना जो आपके BRC होंगे उसके अकॉर्डिंग लिस्ट जारी होते हैं। जैसे आपको अगर बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट मिला तो उनके अलग अलग लिस्ट जारी किए जाते हैं, आपको सीतामढ़ी मिला फिर दरभंगा मिला तो इसमें अलग अलग लिस्ट किए जाते हैं। तो आपका जिस भी लिस्ट में नाम होगा उसमें आपको बुलाए जाएंगे, और आपको बिल्कुल 15 दिनों का वहाँ पे ट्रेनिंग दिया जाएगा, और बिल्कुल खाना पीना रहना सारा कुछ वहाँ पे आपको फ्री मिलेगा। तो यहाँ तक हो गया, और पर डे आपको 1000 रुपीज़ भी मिलेंगे। तो ये सारे अपडेट्स थे जो कि मैंने आप सभी के बीच अपडेट करवाया, और स्कूल आवंटन लिस्ट को लेकर
जैसे ही मेरे पास अपडेट आती है तो मैं सबसे पहले आप सभी को भी बताऊंगा। और उससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन को दबा के रखिए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके और आप सभी को पता चल सके। क्योंकि पिछले बार क्या हुआ कि बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे थे जिनको स्कूल आवंटन लिस्ट के बारे में पता ही नहीं था कि कहाँ से डाउनलोड करना है, कहाँ से क्या करना है। तो उनके लिए मैं बताना चाहूँगा कि आप लोग टेलीग्राम ग्रुप में नॉलेज G24 चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वहाँ से आपको हर एक इन्फॉर्मेशन सबसे पहले मिलती रहेगी। और अगर मैं बात करूँ तो पिछले बार जो सबसे पहले स्कूल आवंटन डाइट ट्रेनिंग लिस्ट आपके अलग अलग BRC वाइज जो आते हैं वो मैं सबसे पहले वहाँ पे अपडेट करवाता रहता हूँ। क्योंकि कई बार ऐसे होते हैं कि किन्हीं कैंडिडेट को पता ही नहीं होता है कि मेरा डाइट में ट्रेनिंग लिस्ट में नाम है या नहीं है, तो वो कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो इसके लिए बहुत ही आपके लिए इंपॉर्टेंट वीडियो है। और वीडियो के साथ साथ आप लोग टेलीग्राम ग्रुप में भी जुड़ जाइए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन के तहत आपको सारा कुछ इन्फॉर्मेशन मिल सके। और चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन को दबा के रखते हैं, तो जिससे कि आपको नोटिफिकेशन के थ्रू आपको पता चल सके। क्योंकि नॉलेज G24 की तरफ से आपको हर एक इन्फॉर्मेशन PPSC TRE से जुड़ी सबसे पहले और सबसे फास्ट सबसे सटीक मिलती रहेगी। फिर मैं नेक्स्ट वीडियो PPSC TRE 3.0 को लेकर आऊँगा, और उसमें कितने वैकेंसी है, क्या क्या उसमें से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, वो सारा कुछ मैं आपको लेकर आऊँगा। और फिर सब्जेक्ट वाइज कितने वैकेंसी है, ये सारा कुछ। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही रहने देता हूँ, और फिर से हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।